गुरुजनों को और बधाइयां देता हूं आप सब पालकों को जिन्होंने इस गौरवशाली स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती करके उनका भविष्य उज्ज्वलमय बनाने के लिए एक संकल्प लिया है। कवियों का मनोबल ऊंचा हो जाता है दर्शकों से तालियां पाने के बाद, तो मेरा ये निवेदन है अगर मेरी एक कविता समझ में आ जाए तो तालियां जरूर बजाएंगे। हो गया चालू तो क्या नहीं हो रहा चालू है। संस्थान का नाम रोशन हो जाता है, किसी भी संस्थान का नाम रोशन हो जाता है प्रबंधन की सकारात्मक सोच होने के बाद। जेबी इंटरनेशनल स्कूल का उत्थान हो जाता है श्रीकांत जैसे दूर दृष्टि वाले प्रबंधक होने के बाद। राष्ट्र की अस्मिता में चार चांद लग जाते हैं, राष्ट्र की अस्मिता में चार चांद लग जाते हैं छात्रों में जागृति आने के बाद, छात्रों के सुनहरे भविष्य में पर लग जाते हैं जेबी पब्लिक स्कूल में शिक्षा पाने के बाद। कवियों के कविता में निखार आ जाता है श्रोताओं से तालियों का अंबार पाने के बाद, पालकों के चेहरों में रौनक आ जाती है बच्चों के अतिथियों से प्रतिभा पुरस्कार पाने के बाद। यों तो धर्म नगरी चिल्ला नेहरा में पब्लिक स्कूलों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है बेहिसाब। कंप्यूटर, संस्कार, अनुशासन, योग, दूरदृष्टि, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा है यहाँ सबसे बेमिसाल। नहीं समझ में आया लगता है, मैं एक बार और पढ़ना पड़ेगा। यूं तो इस धर्म नगरी तिल्दा नेहरा में पब्लिक स्कूलों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है बेहिसाब। कंप्यूटर, संस्कार, अनुशासन, योग, दूरदृष्टि, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा यहाँ है सबसे बेमिसाल। आप इस सुनहरे मौके पे मैं अपने छात्र बंद जो हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए दो लाइन कविता पढ़ना जरूरी समझता हूँ। जेबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के छात्रों, आपको पालकों की शान में चार चांद लगाना है। मैं दृष्टि इधर कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे इधर हैं। जेबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के छात्रों, आपको शाला की छान में चार चांद लगाना है। लक्ष्य पाकर कड़ी मेहनत और पक्के इरादे से अपने परिवार के अरमान तुम्हें सजाना है। जेबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के छात्रों, आपको देश के पर्यावरण व स्वच्छता में बढ़ चढ़ कर हाथ बटाना है। अदम्य शौर्य है आपने, अदम्य शौर्य है आपने, शक्ति अपने को राष्ट्र को खुशहाल बनाने में लगाना है। बढ़ते चलो, पीछे न मुड़कर देखना कभी, हर क्षेत्र में अमर रहना है आपको। संकल्प ले लो इस पावन पर्व पर आज ही। अब ये मातृशक्ति जो है मेरे तरफ पूर्व में आ रही है कि हमारे लिए कम कैसे हुआ। तो ये दो लाइन जो है मैं अपनी बहू रानी को समर्पित कर रहा हूँ, यानी मतलब हमारे अग्रवाल जी की जो यहाँ धर्मपत्नी बैठी है उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। बच्चों की प्रथम गुरु माताओं इस पावन पर्व पर संकल्प आप सबको भी लेना होगा, संकल्प आप सबको भी लेना होगा सुसंस्कारित बनाकर हर बच्चे को, सुसंस्कारित बनाकर हर बच्चे को जागृत नारी का अलग आपको जगाना होगा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।